हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट वन सेमेस्टर वन के लिए ये डिफरेंशियल कैलकुलस का बुक चालू हुआ है और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे टेंजेंट नॉर्म। जो टॉपिक हम लोग लिए हैं टेंजेंट एंड क्या लिए हैं नॉर्मल लिए हैं। इसमें क्लास हम लोग दो क्लास हो चुका है, क्लास वन और क्लास टू हुआ है। आज हम लोग जो क्लास चालू करने वाले हैं वो क्लास नंबर क्या रहेगा, थ्री रहेगा। तो क्लास नंबर थ्री में हम जो क्लास नंबर टू था उस वाले में हम लोग एक्सरसाइज 5A जो न्यू बुक है उसमें एक्सरसाइज लिखता है तो 5A उसमें जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे 1 2 क्या देखे थे 5 देखे थे। आज हम लोग इस वाले में चलेंगे जो प्रश्न संख्या 6 से चलेंगे आगे। अब 6 से कहाँ तक चलेंगे, 1 घंटा के क्लास होगा और यह आपका क्लास नंबर 3 होगा। जो वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे आपका लगभग 6:30 बजे के आसपास आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो अपलोड करेंगे 6:30 बजे। टेंजेंट और नॉर्मल का जो भी वीडियो अपलोड होगा कितने बजे होगा, 6 बजे। और इनडिटरमिनेंट फॉर्म का जो अपलोड वीडियो हो रहा था वो कितने बजे हो रहा था, 3 बजे हो रहा था। ठीक है, आप इस वाले क्लास को टीजीटी और पीजीटी में भी ये काम करेगा टेंजेंट और नॉर्मल। टीजीटी और झारखंड का जो टीजीटी होता है पीजीटी होता है उसमें आपका टेंजेंट और नॉर्मल का टॉपिक है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जो भी कंटेंट मिलेगा कंटिन्यू देंगे और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से कंटेंट दे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक सूचना है कि झारखंड का जो टीजीटी है और पीजीटी झारखंड का टीजीटी और ये जो सब्जेक्ट चलेगा मैथमेटिक्स चलेगा। हम लोग अब चालू करेंगे, यह जो क्लास हम लोग चालू करेंगे लगभग 10 जुलाई से चालू हो जाएगा। ठीक है, 10 जुलाई को झारखंड टीजीटी का जो बैच है वह चालू हो जाएगा। पहले हम लोग टीजीटी के देखेंगे जो 2016 में वैकेंसी निकली थी और 2017 में पेपर उसका हुआ था, तो इस वाले को हम लोग देखेंगे। जितने भी मैथ और फिजिक्स का प्रश्न पूछा हुआ है उसको हम लोग टोटल एक बार सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जब 2017 का पेपर जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम लोग सिलेबस बताएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। दूसरी बात है कि बुक कौन कौन सा पढ़ना होगा उस बुक के बारे में भी हम बताएंगे और उससे अधिक नहीं पूछेगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं टेंजेंट और नॉर्मल और एक्सरसाइज चल रहा था 5A और ऐसे पुराने वाले बुक में एग्जाम्पल नंबर क्या लिखता है, 13 लिखता है। ठीक है, तो हम लोग नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 6 है, देखिएगा ये जो गिवन डेट दिया है पहले ये प्रश्न बोला क्या है उसको ध्यान से आप सुनिएगा। बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व ym = a x^a। मतलब एक कर्व दिया है और बोला है कि कोई भी पॉइंट पे हम लोग क्या निकालेंगे, टेंजेंट और नॉर्मल निकालेंगे। एक कर्व दिया है गिवन है y = देखिएगा y^ क्या है, m है, a x^a। एक डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे इसको, dy/dx निकालेंगे कि किस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx ही होता है। m आगे तो y^m-1 हो जाएंगे, कोई परेशानियां नहीं है। और y का डिफरेंशिएशन dy/dx = n को आगे लिखेंगे an लिखेंगे ना, और x^n-1 यानी कि dy/dx हम लोग क्या कर लेंगे तो an x^n-1 / m y^m-1 क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। अब इसको थोड़े देर के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको देखिएगा। लेट हम कोई भी एक पॉइंट मानेंगे, खुद बोला हुआ है प्रश्न में कि x और y इसको हम लोग से मतलब मान लिया कि x और y पर हम नॉर्मल निकालेंगे।
ये जो dy बाई dx हो जाएंगे बच्चे, dy बाई dx कहने के मतलब x कमा y, जहाँ पे x है वहां पे x ही रखेंगे, जहाँ पे y है वहां पे y ही रखेंगे। तो a n x के पावर n माइनस वन और m y m के पावर माइनस वन, आ रहा समझ में अभी? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बच्चे स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होता है उसको हम लोग एम से लिखते हैं, और एम इक्वल टू है ए एन एक्स के पावर एन माइनस वन एम वाई एम माइनस वन है। बात समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या होगा, देखिएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल एट पॉइंट एक्स कामा वाई इज, देखिए ये बड़ा वाई है माइनस छोटा इक्वल टू, देखिए नॉर्मल का वो माइनस वन बाई एम एक्स माइनस एक्स, समझ में आ रहा है ना? ये दोनों वाई में अंतर है ना, एक बड़ा वाई लिए है और छोटा जो वाई है वो एक्स वाई पॉइंट पर है, ठीक है। यहां से हम लोग देखिएगा वाई लिखेंगे, वाई y इक्वल टू माइनस वन बटा इसमें देखिएगा a होगा n x के पावर n माइनस वन, कोई परेशानियां कोई दिक्कत नहीं है, बटा m y m माइनस वन x माइनस एक्स हो जाएगा। इस वाले को ऊपर ले चलेंगे तो y y y और ये क्या होगा m y m माइनस वन बटा a एन एक्स एन माइनस एक्स माइनस क्या हो जाएंगे एक्स हो जाएंगे। अब इस वाले को हम लोग सोल्व करके आगे बढ़ेंगे, सोल्व करने का एक तरीका है देखिएगा। अब यहां से बात होता है कि आप अगर इसको इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी सही है, लेकिन आंसर जो बुक में दिया है उसको हम मिला देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये इसको बच्चे a के पावर m प्लस n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, m और n, समझ में आया ना? तोड़ करके लिख सकते हैं इसको a के पावर m इंटू a के पावर n। हम यहां भी वही काम करने वाले हैं, इसको देखिएगा ध्यान से, ये तो y होगा, होगा y माइनस y इक्वल टू a माइनस। इस वाले को हम लोग क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, ये हम ऐसे लिख सकते हैं है? और y के पावर माइनस वन, सही है। अरे भाई आप लोग के समझ में आना चाहिए x के पावर माइनस x माइनस एक्स, कोई दिक्कत है बच्चे? भैया ये बताइए कि यहां से हम थोड़े देर के लिए देख रहे हैं, ये नंबर वन कर लेते हैं, y के पावर m है, यहां भी y के पावर m है, इक्वल टू हम इसको रख सकते हैं क्या, रख दे इसके जगह पर रख दे, बताइए y के पावर m इक्वल टू a x के पावर n, भैया ये हो जाएगा y माइनस a हो जाएगा, y बराबर माइनस m a x के पावर n, सही है। यहां से देखिए ये नीचे आएगा तो क्या लिख करके, a नीचे आएगा तो y, अब माइनस x के पावर माइनस वन है ऊपर जाएगा तो प्लस, और नहीं समझ में आ रहा तो एक बार ऐसे ही लिख दीजिए a n x के पावर n और x के पावर माइनस वन x माइनस x, समझ में आ रहा है मोहन? ये से a कटेगा और x के पावर n x के पावर n कटेगा, बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, आगे देखेंगे। आ रहा है तो क्लास को अधिक शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और यहां से देखिएगा हम लोग यह m बचेगा माइनस m y के पावर माइनस क्या है वन है, और नीचे क्या बच गया n x के पावर वन x माइनस x होगा। चलिए इसको हम लिखेंगे y माइनस m, ये ऊपर गया तो क्या लेकर के प्लस, और ये नीचे आया तो क्या लेकर के प्लस, क्योंकि देखिएगा आप कभी भी ऐसे रहता है पावर तो इसको बोलिए सर x के पावर n हो जाएगी ऊपर जाएंगे, तो अगर x के पावर n है तो आप इसको लिखिएगा x के पावर n प्लस में, तो ऊपर है माइनस में नीचे लाएंगे प्लस हो जाएगा, ये पावर में है ना, ठीक है n y है,
चलिए, ये पावर में है माइनस में, नीचे आएगा तो प्लस और ये गया, इतना तो समझ भी आता है। अब इसको बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन वाई वाई माइनस वाई और बराबर क्या होगा माइनस एम एक्स एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। इस माइनस को इधर लाने के बाद क्या होगा बच्चे, प्लस होगा, बताइए, प्लस एम एक्स एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। आपका ये नॉर्मल का समीकरण निकल गया है, बात समझ में आया, अब इजी से सोल्व किए हैं। आप डिफरेंशिएशन कीजिए और डीवाई बाई डी एक्स निकालिए, बोला है कि नॉर्मल का समीकरण ज्ञात करना है कोई भी पॉइंट पे, तो एक पॉइंट हमने लेट यहाँ पे मान लिया, जो हम पॉइंट माने हैं उसका नाम है एक्स कमा वाई, तो एक्स के जगह पर एक्स ही रखेंगे, वाई के जगह पर वाई। ये स्लोप ऑफ क्या होगा, टेंजेंट एट एम बन गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी एक्स कमा वाई की कैपिटल वाई रख रहा है, स्मॉल वाई रख देंगे, एम का वैल्यू रख दिए, इसको ऊपर लिख दिए, इसको दो भागों में वाई के पावर एन इंटू वाई के पावर माइनस वन, उसी तरह से नीचे वाले के, अब वाई के पावर एम, वाई के पावर एम इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आएगा तो इसको आप क्या लिखिएगा बाई वन से, क्या लिखिएगा बाई वन से, तो आपको समझ में आएगा कि समीकरण एक के द्वारा ऐसा यहाँ पे रखा गया है, कट उठ गया, जो बच गया उसको लिख दिए, ए माइनस से ऊपर गया तो प्लस और ऊपर वाला आया तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर लाइए, आपका आंसर हो गया कंप्लीट। तो बात आ गई समझ में, आगे बढ़े, नंबर क्या लिखेंगे साफ, देखिए आप पहले जब भी कॉपी पेन और एक बुक रख लीजिए, लालजी प्रसाद के ये जो न्यू बुक है या पुराना बुक आप रख लीजिए, क्योंकि हम टोटल प्रश्न को नहीं लिखेंगे, आप केवल यहाँ पे समझिएगा कि प्रश्न क्या दिया है, हम बोलते रहेंगे आप समझते रहिएगा। नंबर सात है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट टी ऑन द कर्व एक्स इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी वाई इक्वल टू ए वन माइनस कॉस टी। देखिए ये बोला सातवां में है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए, सात नंबर है, देखिए गिव हैंड दैट ना, ये बोला है कि एक्स बराबर ए टी प्लस साइन टी और वाई बराबर है ए वन माइनस कॉस टी, ये दिया हुआ है ना, ये बोला है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा था? आप देखिए पहले इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वन कमा वाई वन इज वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, यही होता है समीकरण। साथ में बोला है कि x बराबर दिया है y बराबर दिया है, तो टेंजेंट का समीकरण क्या होगा, बात समझ में आ रहा है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट टी ऑफ द कर्व x इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी y बराबर a इंटू वन माइनस कॉस। आप इसको बच्चे डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकालिएगा, स्लोप कहने का मतलब डी वाई वाई क्या होते हैं डी एक्स होते हैं, वेरिएबल टी है इसलिए डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए टी के होना चाहिए, ये होगा dx इक्वल टू a, टी का डिफरेंशिएशन 1 और साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, dy by क्या हो जाएंगे dt, a 1 का 0, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, और पहले से एक माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस साइन टी, बात समझ में आ रहा है, a by देखो dx by dt सीधा आप लिखेंगे बच्चे dy by dx a sin t ना, a sin t बटा a वन प्लस cos t 2a, देखिए sin थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2, इसको हम लिखेंगे sin t by 2 cos t by 2 बटा इस वाले को बच्चे क्या लिखेंगे ये 2 cos स्क्वायर t by 2 a से a कटा ना cos से cos कटा तो sin t by 2 और cos t by 2 क्या हो जाएंगे tan t by 2, तो ये
इसको हम एम भी बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसके पास आइए वाई, वाई देखिए वाई वन का कहने का मतलब ए क्या रहेगा, ए वन माइनस साइन टी बराबर एम, एम क्या क्या है टेन टी वन टू एक्स, एक्स वन का वैल्यू क्या है जी देखिए आप, एक्स वन का वैल्यू बच्चे क्या है ए टी प्लस साइन टी, किसी को कोई डाउट है नहीं है। अब बच्चे इसको हम क्या करते हैं देखिएगा, यहाँ पे वाई फॉर्मूला लगेगा तो मिलेगा टू ना ए साइन स्क्वायर टी बाई टू बराबर, इसको गुना करेंगे तो एक्स टेन टी बाई टू प्लस ए टी टेन टी बाई टू माइनस, माइनस होगा ना इसलिए प्लस क्या है माइनस, पहले ए टी से गुना कीजिएगा तो ए टी होगा और टेन टी बाई टू होगा, ये माइनस हो जाएगा तो देखिएगा ए साइन टी और यहाँ पे मिलेगा, इसको हम ए टेन टी बाई टू साइन टी बाई टू, किसी को कोई दिक्कत है आगे बढ़े लेकर किया चंदन कोई परेशानी, यहाँ पे देख यहाँ पे टी बाई टू साइन टी बाई टू ये लास्ट वाला, अच्छा ये बच्चे देखिए चलिए यहाँ ध्यान से देखेंगे वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो थीटा की जगह पर टी है टी बाई टू कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है जैसे कि तैसे साइन स्क्वायर टी बाई टू, यहाँ देखिए एक्स है ना क्या है एक्स है कि टेन टी और टेन टी कॉमन करके लिखिए क्या तो एक्स माइनस ए टी और ये क्या हो जाएगा टेन टी बाई टू माइनस ए ना टेन थीटा बराबर बताइए क्या होता है साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, कोई दिक्कत है। और ये एंगल क्या है यहाँ पे हाफ एंगल है यहाँ पे फुल एंगल है तो साइन थीटा बराबर टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, इसको लिखेंगे टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ये कॉस टी बाई टू और कॉस टी बाई टू कट जाएगा तो देखिए ये टू ए होगा और साइन टी बाई टू साइन टी बाई टू क्या मिलेगा वाई माइनस टू ए साइन स्क्वायर टी बाई टू एक्स माइनस ए टी, ये हो जाएगा साइन टी बाई टू माइनस टू ए साइन स्क्वायर टी बाई टू, देखिए यहाँ पे माइनस टू ए साइन स्क्वायर टी बाई टू है और वहां टू टू ए साइन स्क्वायर टी बाई टू कट गया, क्या कुछ किया बच्चे y बराबर x माइनस ए टी और ये क्या होगा tan t by 2, कितना फ्रेश है समझ में आया। तो पहले आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएशन t का वन हो जाएगा साइन का cos होगा, यहाँ पे वन का जीरो cos का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, dy by dx निकालिएगा चैनलों से तो y वाले ऊपर x वाले नीचे जो कट गया वो tan t by 2 बच गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा था x1 कमा y1 एक फॉर्मूला होता है, y1 का वैल्यू कहने का मतलब y वाला रखेंगे और x1 का वैल्यू कहने का मतलब x वाला रखेंगे और m का वैल्यू रख देना है, 1 माइनस टेन थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और a रहेगा तो ये देंगे और बाकी इसको गुणा कर लिए, यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला साइन बाई कॉस लगा दिए और टेन साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिए टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, थीटा का जगह पर टी है इसलिए टी बाई टू कर देना है ना, जो कट टूट गया उसको काटिए और इसमें भी कट गया जो बचेगा वो आंसर लिख देंगे, यह नंबर आपका क्या था 7 कंप्लीट हो गया। नंबर 8 इसमें से टोटल बनाना पड़ेगा समझ गए हैं, आपको सिर्फ इतना ही बनाएं चार लेकर आएंगे चार क्लास लेंगे। नंबर 8 है कि फाइंड द टेंजेंट एट द ओरिजिन टू द कर्व, ठीक है बहुत आसान वाला दिया है बच्चे, नंबर 8 है देखिएगा कैसे, पहला है गिवन दैट देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है किस पॉइंट पर निकालना है ओरिजिन पर, ये 0 0 होता है क्या होगा 0 0 बात समझ में आ रहा है ना, क्या होगा 0 0 होगा
ये पहले जो कर्व है, देखिए इसमें तीन प्रश्न है, तीन में से हम दो बनाते थे, एक आप लोग बना लीजिएगा। पहला जो दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहां से देखिए 4ax है। आगे बढ़ते हैं, अब इस वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो 2y dy / dx इक्वल टू क्या होगा 4ax। यदि हम dy / dx निकालते हैं तो देखिए ये तो कट जाएगा 2 से, तो मिलेगा 2a बटा y मिलेगा। y का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो इंफिनिटी में कहां से टेंजेंट ऑफ और नॉर्मल का समीकरण निकलेगा, ऐसे नहीं निकालना है। सीधी सी बात है, अब इक्वेशन ऑफ क्या लिखिएगा, टेंजेंट ना, एट पॉइंट क्या x कमा y इज y माइनस y, बड़ा y दे देंगे, m x माइनस x। एम का वैल्यू क्या है, 2a y है, तो y ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे y लिखेंगे, x माइनस x। अब इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो y y माइनस क्या होगा y स्क्वायर होगा इक्वल टू 2ax माइनस 2a छोटा x, कोई दिक्कत है, a भी लिया। अब कौन सी पॉइंट पर निकालना है उसको ध्यान दो, एट 0 0, इसका मतलब है कि x बराबर 0 एंड y बराबर 0। अब जहां जहां x है ना, इस वाले समीकरण को हम चाहे तो 1 मान लेंगे, क्या मान लें 1। अब इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 से x बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर 0 पुट कीजिए, इस वाले में हम लोग पुट करेंगे y into 0 minus 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2a, ये तो कैपिटल x है, x लिखेंगे और ये माइनस क्या होगा 2a गुना 0। अब बताइए ये 0 minus 0 और ये क्या हो जाएगा 2ax और ये भी 0 होगा, ले दे करके क्या बचेगा 0 इक्वल टू 2x। तो अगर हम x निकालते हैं तो 0 बटा क्या मिलेगा 2a, यानी कि x इक्वल टू ये क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है x इक्वल टू 0। तो ये आपका जो टेंजेंट और ये किसके y एक्सिस, किस पर बनता है y एक्सिस पर, ये टेंजेंट बनेगा क्योंकि x बराबर क्या होता है 0 होता है, समझ में आया। अब बोलिए सर यहाँ पे x का वैल्यू 0 रख देते हैं पे और 0 रख देते बना लेते, जब आप इसमें 0 रखेगा तो 2a बटा 0 क्या होने वाला है, ये इंफिनिटी, तो स्लोप क्या मिलेगा इंफिनिटी, तो इंफिनिटी रखिएगा यहाँ पे, नहीं ना। तो पहले क्या करना है कि 8 वाला में कोई भी पॉइंट पर एक समीकरण निकाल लीजिए, लास्ट में x बराबर 0 y बराबर 0 पुटी कीजिएगा, जो भी आएगा वही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया, आया या नहीं आया, आ गया तो देखिए नंबर हम 2 बना करके 3 आप लोग 2 हम बना देते हैं, x क्यूब प्लस क्या होगा y क्यूब इक्वल टू 3a xy, और नंबर क्या हो गया ये 1 हो गया, समझे बात को। अब इस वाले को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और dy / dx निकालेंगे। चलिए आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू, बताइए x 3x स्क्वायर के, बताइए x क्यूब को हम क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर और ये क्या आएगा 3y स्क्वायर, y क्या dy / dx हो जाएगा, 3 बाहर में आएंगे, 3a बाहर में, x का डिफरेंशिएशन तो y बचेगा और y का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा x dy / dx। बात समझ में आ रहा है, 3a बाहर, अब यहाँ पे देखिए x और y है u into v का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 तो y मिलेगा और y का डिफरेंशिएशन dy / dx मिलेगा, कोई परेशानी नहीं है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, चलिए यहीं पे कर देते हैं 3x स्क्वायर प्लस ये देखिएगा 3y स्क्वायर dy / dx बराबर 3ay प्लस 3ax dy / dx, इस dy / dx उधर ले चलेंगे और इसको इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चे
थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए वाई बराबर थ्री ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री वाई स्क्वायर। समझ गए? अब इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे, तो थ्री भी कॉमन हो रहा था तो ए क्या मिलेगा, ए वाई मिलेगा। यहां से देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, कॉमन, थ्री भी आ रहा था बाहर, थ्री भी बाहर कर दे, चलिए ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये थ्री से थ्री गया और डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और इसी को हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, क्या बोलेंगे, टेंजेंट एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, कौन सी पॉइंट पर, एक्स कमा वाई इज y माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, a x माइनस x। अब यहां बात है देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू पुट करेंगे, चलिए चंदन यहां से m का वैल्यू पुट करते हैं, कर दें, चलिए y m का वैल्यू पुट करेंगे, a x माइनस y स्क्वायर बटा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, कोई दिक्कत है, और एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, वाई माइनस वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस एक्स मिलेगा, मिलेगा ठीक है। मेन तो समीकरण आपको यही हो गया फाइनल, लेकिन किस पॉइंट पर निकालना है, एट जीरो जीरो, इसका मतलब है कि x का वैल्यू जीरो और y का वैल्यू जीरो, आप चलिए इसमें पुट कीजिए तो देयरफॉर क्या लिखिएगा, देखिएगा समझ में आ रहा है ना, सॉल्व कर दे, x का वैल्यू जीरो तो जीरो का स्क्वायर क्या होगा, y का वैल्यू जीरो तो ये टोटल क्या होगा, इधर जीरो हो जाएगा और यहां भी जीरो होने वाला है, तो जीरो इक्वल टू जीरो, इसको हम सोल्व करेंगे, आगे बढ़ ही जाएंगे तो आप इसको सोल्व करने के तरीका आप समझ लीजिएगा, इसको गुना उना भी करके कर सकते हैं, उतना आप नहीं कीजिएगा तो चलेगा। देखिएगा अगर हम इसको जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, होगा कि नहीं जीरो होगा, इसमें वाई माइनस जीरो होगा इक्वल टू ये जीरो जीरो का स्क्वायर और इन टू x माइनस जीरो, थोड़ा सा लिख लीजिएगा इधर, सॉल्व कीजिएगा जीरो बराबर जीरो, तो जो देयरफॉर या हेंस लिखेंगे, जो इक्वेशन आएगा x बराबर जीरो आएगा और y बराबर जीरो, सेटिस्फाई किस पर किया, जीरो जीरो पर ही ना किया, क्योंकि LHS में भी जीरो और RHS में, तो आंसर क्या होगा, x बराबर जीरो और y बराबर जीरो। तो ये प्रश्न आपका था, समझ में आया चंदन, आ गया ना, तो नंबर एट का वन और क्या था, टू था। एक प्रश्न हम छोड़ देते हैं आपके लिए, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए था नंबर नाइन, देखेंगे फाइंड वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग कर्व, चार कर्व दिया हुआ है इसमें, पहला वन टू थ्री फोर हम लोग देखेंगे और कुछ हम बनाते हैं कुछ आप बनाइएगा। ये वाई बराबर एक्स माइनस वन है, देखिएगा वाई बराबर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री है ना, y इक्वल टू देखिए x माइनस वन, चंदन इससे गुना करते हैं ना, x स्क्वायर माइनस क्या होगा 5x प्लस तीन गुना के 6 होगा, क्योंकि x स्क्वायर होगा और 3x माइनस 2x माइनस 5x तीन गुना के 6 होगा, y से अब x से गुना करेंगे तो x की माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x
माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इस वाले को देखते हैं तो प्लस क्या होगा, फाइव एक्स माइनस सिक्स होगा, तो वाई इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या सिक्स एक्स स्क्वायर और प्लस ग्यारह एक्स माइनस सिक्स। समीकरण क्या मानते हैं, वन मानते हैं। ये आपके पास आ गया वन। अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये प्लस छ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस गुना करेंगे तो माइनस ही तो आएगा। चलिए डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस छह गुना के बारह एक्स प्लस ग्यारह इक्वल टू जीरो, क्योंकि माइनस सिक्स का हम लोग क्या करेंगे, जीरो कर लेते हैं। अब सिंस डिपेंडेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के क्या है, ये समांतर है, तो दे डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या किया जाए, जीरो किया जाए। यहां पे लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स प्लस ग्यारह इक्वल टू जीरो है। एक्स बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये बारह माइनस माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू का फॉर्मूला लगाएंगे और ये हो जाएगा बारह का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू ग्यारह बटा क्या होगा, टू इंटू थ्री। तो एक्स बराबर माइनस बारह माइनस प्लस हो जाएंगे, बारह का स्क्वायर कितना होगा, एक सौ चौवालीस, चार पी आई बारह, बारह गुण ग्यारह करेंगे तो एक सौ बत्तीस, अब बटा ये क्या होगा, तीन दुना के छह, ये हो जाएगा बारह माइनस प्लस। इसमें देखिएगा घटाइएगा तो आपका कितना मिलेगा, बारह मिलेगा ना, ये हो जाएंगे बारह, अब बटा क्या होगा, सिक्स होगा। एक्स इक्वल टू टू कॉमन कर लेते हैं, चलिए इसको रूट करते हैं, बारह माइनस प्लस बारह का रूट क्या होगा, टू रूट थ्री हो जाएगा, टू कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, सिक्स माइनस प्लस मिलेगा, यहां से क्या होगा, रूट थ्री बटा छ, और इसको काट लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू छ माइनस प्लस रूट थ्री बटा थ्री। एक्स इक्वल टू डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, टू माइनस प्लस रूट थ्री बाई थ्री। देखिए यही पॉइंट आपका आएगा, टू माइनस प्लस रूट थ्री बाई टू। बात समझ में आ रहा है ना, आपके जो बुक में प्रोफेसर है उसका प्रिंट आप सुधार लीजिएगा कि इसमें आंसर माइनस प्लस वन बाय रूट थ्री दिया है। अगर इसको हम और लिखेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू टू माइनस प्लस रूट थ्री रहेगा, ठीक है जी, रूट जो थ्री को हम रूट थ्री और रूट थ्री लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ये कट जाएगा तो एक्स इक्वल टू माइनस प्लस वन बट्टा रूट थ्री आ जाएगा। एक्स का वैल्यू आ गया, चाहिए तो एक्स का वैल्यू इसमें रखेंगे तो वाई भी आ जाएगा, लेकिन आंसर केवल एक्स में दिया है तो आप इसको नोट कीजिए। यह नंबर क्या था, नाइन का ए। पहले सबसे समझ लेना है कि ये जो दिया हुआ है फाइंड द टेंजेंट इक्वल टू द एक्सिस ऑफ एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो। आप इसको डिफरेंशिएशन करके जीरो कीजिए और एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स का निकालने के बाद वाई में रखिएगा, आपका वाई भी आ जाएगा। इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम अगले वाले को पास चलते हैं। देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू थ्री ए एक्स वाई, इसको नंबर हम लोग क्या मानेंगे, वन। आप इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा, इसे चंदन एक्स के रेस्टोरेंट में एक्सपेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से देखिएगा एक्स का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो वन, तो ये मिलेगा वाई प्लस थ्री ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब आगे बढ़ेंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए वाई बराबर थ्री ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो थ्री एक्स स्क्वायर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा, इसको कॉमन कर दीजिएगा, ये क्या मिलेगा, थ्री ए एक्स माइनस थ्री वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे थ्री ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए वाई बटा थ्री ए एक्स माइनस थ्री वाई स्क्वायर। हाँ जो थ्री भी लास्ट में भी कर सकते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नहीं से लिख देते हैं, क्योंकि
द टेंजेंट इज क्या, उसको छोड़ो नीचे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मजाक करेगा, देन dy by dx इक्वल टू जीरो। अब बताइए dy by dx जीरो है तो क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3ay बटा 3ax माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मोहन ये तो जीरो में चला जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस बराबर 3ay, ये कटेगा तो y बराबर x स्क्वायर बटा a, नंबर इसको क्या दे दिए 2 देंगे, नंबर क्या होगा 2 होगा। अब y बराबर x स्क्वायर y ये है तो इस वाला में रख दीजिए, ये नंबर 1 में देखिए root y बराबर x स्क्वायर y a in 1, यहां से x x की प्लस y, y का वैल्यू क्या रखेंगे x स्क्वायर y a का ऑल इक्वल टू 3ax x स्क्वायर y a, कोई दिक्कत है जी, यहां से x की y आ x के पावर 6 बाय a का क्यूब आ गया, यही आएगा ना, यहां से देखिएगा 3 a से a कटा x की गुना, भगवान इसमें x की कॉमन करेंगे तो 1 प्लस क्या मिलेगा x की मिलेगा बटा a की इक्वल टू 3 a की, ये कट जाएगा तो आपके पास a मिला क्या, a क्यूब प्लस x क्यूब बटा a की इक्वल टू 3a, मल्टीप्लाई करेंगे तो a की प्लस x की इक्वल टू 3a स्क्वायर, यानी कि a की इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस a की होगा, घटाइएगा तो कितना मिलेगा x a की इक्वल टू 2 a की जीरो, इसमें रूट नहीं चलेगा, x बराबर आएगा 2a क्यूब के पावर 1 by 3, यानी कि x बराबर 2a के पावर क्या देखेंगे 1 by 3 और 3 3 कटेगा तो k, यही x का पॉइंट आएगा, तो वही तो बोला था उससे आया था ना। अब आगे बढ़ेंगे, इस वाले को देखिएगा, पुट कीजिएगा x के पावर 1 by 3 a a किस में करेगा 2 में, ये देखिए 2 क्या है, y बराबर x स्क्वायर, x स्क्वायर का वैल्यू बताइए क्या रखिएगा, x स्क्वायर का वैल्यू रखिएगा 2 1/3 ना, और a और ऊपर से क्या होगा स्क्वायर होगा, तो y बराबर देखिए 2 का इसको हम लिखेंगे 1/a, a लिखेंगे 2 के पावर क्या होगा 2/3 और a का स्क्वायर, a कटेगा ना तो y बराबर क्या होगा 2/3 a, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर 1/3 a, 2 का स्क्वायर 4 की पावर 3, इसलिए पॉइंट कितना होगा 2 की पावर 1/3 a और 4 1/3 a, आंसर समझ में आया। तो पहले फंक्शन को क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालिए और dy by dx इक्वल टू 0 कर लीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो y बराबर निकल गया, y का वैल्यू इसमें रखेंगे, सॉल्व करते 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 क्या लाना है x का, और x का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, बाकी सॉल्व करेंगे, ये मिल जाएगा y का पॉइंट जो आएगा 2 के पावर 1/3 a कॉमा 4 के पावर 1/3 a, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, चलिए आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, चलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, अच्छा dy / dx भी लिख दे और इक्वल टू 0, आप बताइए dy / dx लिख लिएगा तो क्या लिखिएगा, माइनस 3x स्क्वायर बटा माइनस x स्क्वायर / y स्क्वायर, हो गया ये तो कट जाएगा, तो dy / dx का लिखिएगा dy / dx इक्वल टू माइनस x स्क्वायर बटा y स्क्वायर, सिंस द टेंजेंट dy / dx इक्वल टू क्या होगा 0, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर क्या देगा
जीरो, इसको कहाँ पुट किया जाए, x बराबर जीरो के वर्ग में, यहाँ पे क्या रखेंगे जीरो हो जाएगा जी, तो देखो जीरो का क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू ए की, वाई क्यूब इक्वल टू ए की, तो वाई बराबर क्या मिलेगा ए, वाई इक्वल टू क्या मिलेगा ए, तो इस पॉइंट को आप बोलिएगा कि ए जीरो और कोमा ए होगा, समझ में आ रहा ना, अरे डिफरेंशिएशन करना है, इस कंडीशन को आप याद रखे, डीवाई बाई डी एक्स निकाल के जीरो के बराबर कीजिए, आपका एक्स का वैल्यू आ रहा है तो एक्स का इसमें रख दीजिए, अगर वाई क्या रहा तो फिर भी रखेंगे, पॉइंट निकल जाएगा पॉइंट में बना दीजिए, आसान तो है ज्यादा तो दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, तो इसको आप नोट कीजिए। हम चलेंगे फोर की बात, ये देखिए कर्व है और इस कर्व को हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे 2x, ये बताइए 2ax प्लस इसमें आएगा 2h, x का डिफरेंशिएशन 1, अच्छा y का डिफरेंशिएशन dy by dx होगा, इस वाले को बताइएगा 2by dy by और 1 का 0, अब इस वाले को इधर ले चलेंगे माइनस, इसको भी माइनस, dy by dx हम लोग क्या करें कॉमन करते हैं, ये होगा 2hx प्लस 2by बराबर माइनस 2ax माइनस 2hy, अब बताइए जी dy by dx लिखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2 कॉमन करके ax प्लस hy लिख सकते हैं, और इसको क्या करेंगे 2hx प्लस by, ये कट जाएगा, ये बताइए dy by dx क्या बच गया, ए एक्स प्लस एच वाई बटा एच एक्स प्लस थ्री वाई, ओके, अब देयर फॉर लिखेंगे या सिंस दी टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो माइनस टू थ्री, तो माइनस हो जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई, एच वाई बटा एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, तो उस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो में चला जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू जीरो, अब यहां से एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, एक्स का वैल्यू निकाल करके इसको करके सोल्व करेंगे, लेंथ ही चलेगा लेकिन लिख सकते हैं कि ये देखो हेंस यही एक कर्व है, ये जो लाइन है ax प्लस एच वाई, इसी इस कर्व को क्या करेगा इंटरसेप्ट करेगा उसी पॉइंट पर, जैसे x का वैल्यू निकाल करके इसमें रखेंगे तो y आ जाएगा तो पॉइंट भी आ जाएगा, यही लाइन इस कर्व को क्या करेगा कट करेगा, तो आप इसको नोट कीजिए, एक लास्ट में बच गया उसको भी सॉल्व नहीं कर देते हैं, इसका पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, देखिए लाइन का ये लास्ट है और आज के क्लास भी लास्ट है चलेगा, अंतिम इसी को सॉल्व करके सॉल्व छोड़ देते हैं, ये गिवन है लिखेंगे आप ही सॉल्व कर सकते हैं, 3b2y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3ax2, ये नंबर क्या होगा 1 है, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो देखिएगा 3b2dy/dx आएगा, ये 3x2 माइनस 3 दुना के 6x आ जाएगा, क्या छोटे लाल ये dy by dx करेंगे तो 3x2 माइनस 6ax बटा 3b2, सेंस लिखेंगे दी टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है जीरो के इक्वल, किसके इक्वल होता है जीरो के इक्वल, अब हम लोग क्या करेंगे डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू रखेंगे, तो देखिएगा 3x2 माइनस 6ax बटा बी स्क्वायर, मतलब 3b2 इक्वल टू जीरो, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो में चला जाएगा,
मिलेगा 3x² माइनस 6ax इक्वल टू 0। 3x कॉमन कर लेते हैं, 3x क्या करेंगे हम लोग, कॉमन करेंगे। ये बताइए x मिलेगा माइनस 2a और इक्वल टू 0, ये तो x चला, x माइनस 2a इक्वल टू 0, x बराबर क्या आया 2a। अब इसको पुट कीजिए, x बराबर 2a इन किस में करेंगे हम लोग, 1 में। क्या करेंगे इस समीकरण में x का वैल्यू रखेंगे, तो इधर से हम लोग रखेंगे 3b² y इक्वल टू x क्यूब, मतलब क्यूब का पावर क्यूब हो जाएगा माइनस 3a और a 2a का होल स्क्वायर नहीं होगा, हो जाएगा। सभी जगह x का मान रख दीजिए और 3b² y a का होगा 8a क्यूब और 4 a, देखिए यहां से तो दोनों के 4 p i 12 a क्यूब। तो आप बताइए 3b² y इक्वल टू घटाइएगा तो कितना आएगा, माइनस में 4 a क्यूब ना। ये बताइए कि y इक्वल टू लिखिएगा तो माइनस 4 a क्यूब बटा क्या आएगा, 3b² यही आंसर था ना। तो ये 9 इस क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए, आज क्लास नंबर इसके लिए 3 था। और आप इसको नोट कीजिए और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, प्रश्न संख्या 10 से लेकर के आते हैं, तो आप इसको नोट कीजिए तब तक, ठीक है।